फ्रेंड्स, एक दुखद समाचार है, लेकिन अब मामला तूल पकड़ चुका है। मामला है रिंकू शर्मा हत्याकांड। आप लोगों को पता होगा, मंगोलपुरी में देर रात रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई थी। क्या है पूरा मामला, मैं आप लोगों को बता दूं, और लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मामला ये है, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 वर्षीय रिंकू शर्मा की कल देर रात हत्या की गई। रिंकू के लिए इंसाफ की मांग करते हुए लोगों ने जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि रिंकू शर्मा भाजपा और वीएचपी से जुड़े हुए थे और इन दिनों राम मंदिर के लिए चंदा भी जुटा रहे थे। हालांकि पुलिस ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। भाजपा के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। वहीं वीएचपी ने कहा है कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुटे थे और इसके चलते ही उनकी हत्या हुई है। बीएसपी नेता सुरेंद्र जैन ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है। उनके ट्वीट से मामला अब गर्मा गया है, लेकिन वहीं अशोक पंडित भी इस मुद्दे को उठाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने रिंकू शर्मा की हत्या के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार देर रात रिंकू शर्मा की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक जन्मदिन की पार्टी में हुई बहस के बाद चार लोगों द्वारा रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के सांप्रदायिक एंगल पर बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन मृतक के भाई का कहना है कि उसकी हत्या धार्मिक वजह से की गई है। मृतक युवक रिंकू शर्मा एक निजी अस्पताल में टेक्नीशियन के रूप में काम करता था और अपने परिवार के साथ मंगोलपुरी में रहता था। पुलिस ने बताया कि चारों गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब के रूप में हुई है। दानिश और इस्लाम टेलर का काम करते हैं। जाहिद एक कॉलेज छात्र है और मेहताब कक्षा 12वीं में पढ़ता है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि दानिश और रिंकू की अपनी पड़ोस में बुधवार रात एक जन्मदिन की पार्टी में बहस हो गई, जिसके बाद 11 बजे रिंकू की हत्या कर दी गई। पार्टी में दानिश और रिंकू दोनों आमंत्रित किए गए थे। पार्टी के बाद जब रिंकू ने अपने दोस्त लाली के साथ अपने घर के लिए निकल गया, तब दानिश ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उनसे आपस में बहस हुई, जिसके चलते रिंकू ने दानिश को थप्पड़ मार दिया। दानिश जो अपने 3 दोस्तों के साथ था, उसने रिंकू को पकड़ लिया और उसे चाकू मार दिया। रिंकू को बचाने की कोशिश के दौरान लाली को भी मामूली चोटें आई हैं। रिंकू के गिरने के बाद चारों आरोपी वहां से भाग गए थे। पुलिस ने कहा है कि अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहस का कारण क्या था। घायल हालत में रिंकू के पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को इस मामले में सूचना दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधांशु धामा ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान दानिश और उसके दोस्तों की पहचान कर छापेमारी के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं एक खबर और आ रही है, वन ऑफ द एक्यूज्ड की वाइफ को ब्लड डोनेट भी किया गया था रिंकू द्वारा, लेकिन अब देखिए किस तरह का मामला सामने आया है। फिलहाल इतना ही। एक लेटेस्ट अपडेट थी रिंकू शर्मा हत्याकांड मामले में, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल इतना ही। कुछ और अपडेट और कुछ इनसाइड डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल